नमो नमः। अहम् संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसके चतुर्थ पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। चतुर्थ पाठ का नाम है कल्पतरुः। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। अर्थ क्या है इसका? एक पद में हमें उत्तर लिखना है, केवल एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, तो इसका अर्थ क्या हुआ ये हम समझेंगे। जीमूतवाहन किसका पुत्र है? जीमूत केतो हो। उत्तर क्या होगा? जीमूत केतो हो। कस्य, कस्य पूछा है, कस्य शब्द षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए यहाँ उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में होगा, जीमूत केतो हो। अग्रे संसारेस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में क्या नष्ट नहीं होता है, कौन नष्ट नहीं होता है, इस संसार में कौन नष्ट नहीं होता है? तो कह इसके स्थान में एक पद में उत्तर हो जाएगा परोपकारः। संसार में परोपकार नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ग नंबर प्रश्न है जीमूत वाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। यहाँ भी देखिए जीमूत वाहन परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, किसकी आराधना करता है? तो कम, कम में यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो इसका उत्तर भी द्वितीय विभक्ति अंत हो जाएगा कल्प पादपम। कल्प पादपम या कल्पतरुम, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप कल्प पादपम यही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम्। क्या अर्थ हुआ? जीमूत वाहन के सर्वभूत अनुकंपया प्रत्येक प्राणी की कृपा से हर जगह क्या प्रसिद्ध हुआ, हर जगह क्या प्रसिद्ध हुआ? तो किम के स्थान में क्या हो जाएगा? यशः, यशः प्रथितम्, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ देखेंगे कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्पवृक्ष इस पृथ्वी में किसकी वर्षा करता है, क्या वर्षा, क्या वृष्टि करता है? तो इसका उत्तर है वसूनि। एक पद में उत्तर होगा वसूनि अवर्षत, तो कि हमें केवल लिखना है वसूनि। आगे देखेंगे हम, दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे। अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे जो अधो लिखितानां, नीचे जो लिखे हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। क्या है देखिए, पहला प्रश्न है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कुत्र, इसमें प्रश्नवाचक है कुत्र, तो इसका उत्तर क्या होगा, अर्थ क्या हुआ? कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था? तो इसका उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य सानोह उपरि विभाति स्म। उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालयस्य सानोह उपरि, अर्थात पूरा उत्तर हमें लिखना है, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर यहाँ देना है। तो क्या लिखा है? कंचनपुर नाम का नगर हिमालय की चोटी के ऊपर सुशोभित हो रहा था। अगला प्रश्न है देखिए जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्, जीमूतवाहन कैसा था या कैसे थे? तो उत्तर क्या होगा? जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूतवाहन महान दानवीर थे,
दान देने वाले थे, सर्वभूतानुकंपी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कृपा करने वाले थे। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहनः किम् अचिन्तयत्। कल्पतरु, कल्पवृक्ष जो था, कल्पवृक्ष की विशेषता को सुनकर के जीमूतवाहन ने क्या सोचा, किम अचिंतयत, क्या सोचा था? तो इसका उत्तर है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहनः अचिंतयत। कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष की विशेषता को सुनकर के, आकर्ण्य यानी सुनकर के, जीमूतवाहनः अचिंतयत, जीमूतवाहन सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अहो ईदृशम्, आश्चर्य है, ईदृशम् यानी इस प्रकार का, अमर पादपम्, अमर वृक्ष, प्राप्यापि यानी प्राप्त करने के बाद भी, पूर्वैः पुरुषैः, पूर्व पुरुषों के द्वारा, अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। जिस प्रकार से हमें फल प्राप्त करना चाहिए उस प्रकार से हमने कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः, परंतु कुछ ही कंजूस लोग, कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, इस वृक्ष से कुछ कंजूस लोगों ने कुछ धन प्राप्त किया है। तदहम अस्मात् कल्पतरुः अभीष्टं साधयामि इति। इस प्रकार से जीमूतवान सोचते हैं कि मैं इस कल्प वृक्ष से अभीष्टं साधयामि, जो मुझे प्राप्त करना है उसे मैं प्राप्त करूँगा। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए, हितैषिणः मन्त्रिणः जीमूतवाहनं किम् उक्तवन्तः। जो मंत्रीगण हितैषी थे, राजा का हित चाहने वाले थे, उन्होंने जीमूतवाहन से क्या कहा, जीमूतवाहनं किम् उक्तवन्तः, क्या बोले? तो उत्तर है इसका, हितैषिणः मन्त्रिणः जीमूतवाहनं उक्तवन्तः। यहाँ उक्तवतः लिखा है, यहाँ ना होगा, उक्तवन्तः। तो हितैषी जो मंत्रीगण हैं, उन्होंने जीमूतवाहन से क्या कहा, कहा क्या कहा? युवराज, अरे युवराज, योयम् सर्वकामदः, यह जो यह प्रत्येक काम, सभी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरुः, कल्पवृक्ष, तवोद्याने, आपके बगीचे में तिष्ठति, स्थित है, सह यानि वह, तव यानि तुम्हारा, सदा यानि हमेशा, पूज्यः पूजनीय है, वह तुम्हारा हमेशा पूजनीय है, अस्मिन् अनुकूले स्थिते शति, अगर यह वृक्ष, अस्मिन् अनुकूले, इस वृक्ष में, अनुकूले स्थिते सति, अगर यह वृक्ष हम सबके ऊपर अनुकूल रहेगा या हम इस वृक्ष की सेवा करते रहेंगे तो शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इंद्र भी, शक्रः अपि, इंद्र भी हमें पराजित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हितैषी मंत्री राजा से कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम् उवाच। जो जीमूतवाहन था, कल्पतरुम् उपगम्य, कल्पवृक्ष के समीप जा कर के क्या कहता है, किम् उवाच, क्या कहता है? उत्तर है, जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जा कर के कहता है, क्या कहता है? देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। अरे देवरूपी वृक्ष, त्वया यानि आपके द्वारा हमारे पूर्वजों के अभीष्टाः कामाः पूरिताः, उन्होंने जो भी इच्छाएं की थी उन सभी इच्छाओं को आपने पूर्ण किया। तन्ममैकं कामं पूरय, तो मेरा भी एक काम पूर्ण कर दीजिए। यथा यने, जैसे पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जिस प्रकार से मैं ये देखूं संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की जो दरिद्रता है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं देखूं, ऐसा आप तथा करो तो देवो, इस प्रकार से आप कर दीजिए। इस प्रकार से जीमूतवाहन उस वृक्ष से कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, तीसरा प्रश्न है, समझना है तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है। अधो लिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि।
यहाँ जो स्थूल पद है, जैसे कि यहाँ तस्य है, आगे दूसरे वाले में है तम है, तीसरे वाले में अयम है और चौथे वाले में त्वम है, तो क्या कह रहे हैं कि अधोलिखित वाक्येषु, नीचे जो लिखित वाक्य हैं उन वाक्यों में जो स्थूल शब्द हैं, स्थूल शब्द कस्मै प्रयुक्तानि, किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं यह बताना है। क्या लिखा है? तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य तस्य कस्य, इसका जब हम प्रश्नवाचक करेंगे तो यहाँ कस्य हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? यानी किसके चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था? तो आपने पाठ पढ़ा है, किसके ऊपर सुशोभित हो रहा था? हिमालयस्य, हिमालय के ऊपर, तो इसका उत्तर होगा हिमालयस्य। अगला प्रश्न है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तो तम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, क्या अर्थ हुआ? पहले हम अर्थ समझते हैं। राजा युवावस्था को प्राप्त करने पर, तम यानी उसको युवराज के पद में अभिषेक कर देता है। तो किसका अभिषेक युवराज के पद में कर देता है? तो तम, तम का उत्तर हो जाएगा जीमूत वाहनम, जीमूत वाहनम, तम के स्थान में हो जाएगा जीमूत वाहनम। अयम तव सदा पूज्यः, यह तुम्हारा हमेशा पूजनीय है। यह कौन? तो यह अयम के स्थान में हो जाएगा कल्पतरुः, कल्पतरुः तव सदा पूज्यः। अगला शब्द है, देखिए अगला प्रश्न है, तात त्वं तु जानासि यद्धनं वीचिवच्चञ्चलम्। पिताजी, तुम तो जानते हो कि धन वीचिवच्चञ्चलम्, जो धन है वह समुद्र की तरंगों के समान चंचल है। तो त्वम, त्वम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जीमूत केतुः, अपने पिता के लिए जीमूत वाहन ने प्रयोग किया है, जीमूत केतुः, ऐसा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, चौथा प्रश्न है, अधो लिखितानां पदानां पर्याय पदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को पाठ से चुनकर के ही लिखना है, पाठ में जो पर्यायवाची शब्द आए हैं उन्हें ही हमें लिखना है। तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे कि पर्वतः, पर्वत शब्द के लिए प्रयोग हुआ था नगेंद्रः, तो पर्वतः का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नगेंद्रः। इंद्रः, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शक्रः, जैसे पर्वतः नगेंद्रः का नंबर है। ख में देखिए है भूपति ही, भूपति ही शब्द के लिए राजा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद ग नंबर है इंद्रः, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची पाठ में प्रयोग किया गया है शक्रः। अगला शब्द है घ नंबर धनम, धनम के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है अर्थः। अगला शब्द है इच्छितम, इच्छितम यानी इच्छितम के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है अभीष्टम। समीपम, समीपम के लिए प्रयोग किया गया है अंतिकम, अंतिकम यानी भी समीपम होता है। धरित्रीम, धरित्रीम, धरित्रीम के लिए प्रयोग किया गया है पृथ्वीम। कल्याणम, कल्याणम, कल्याणम के लिए प्रयोग किया गया है परोपकारः। अगला शब्द है वाणी, वाणी के लिए प्रयोग किया गया है वाक्। अगला शब्द है वृक्षः, वृक्षः के लिए प्रयोग किया गया है तरुहु। इस प्रकार से आपका यह चौथा प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे हम देखेंगे क्या लिखा है, देखिए समझना है। लिखा हुआ है क स्तंभे विशेषणानि, ख स्तंभे च विशेष्याणि तत्तानि। नीचे क स्तंभ है और ख स्तंभ है, तो क स्तंभ में विशेषण शब्द हैं और ख स्तंभ में विशेष्य शब्द हैं, तो तानि समुचितम योजयता, उन्हें समुचित प्रकार से हमें एक क्रम में लगाना है, उसके सामने लिखना है। जैसे कि कुलक्रमागतः, कुलक्रम आगतः, कुल क्रम से आया हुआ, क्या था कुल क्रम से आया हुआ? कल्पतरुः, कल्पतरुः। दानवीरः, दानवीर कौन था? जीमूतवाहनः। हितैषिभिः,
हितैषी भी, हितैषी कौन थे? तो मंत्री भी, हितैषी भी मंत्री भी। वीचिवत चंचलम, तरंग के समान चंचल कौन था? तो धनम। अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी नष्ट कौन नहीं होता है? परोपकार, परोपकार कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ये पांचवा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है, छठवें प्रश्न को हमें समझना है। लिखा है स्थूल पदान्यधिकृत्य, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ जो स्थूल शब्द दिया गया है, मोटा शब्द, स्थूल यानी होता है मोटा, जो मोटे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के स्थान में प्रश्न निर्माण हमें करना है, उन्हीं शब्द से हमें प्रश्न बनाना है। तो जैसे कि पहला प्रश्न क्या लिखा है, तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। तरोह, तरोह में षष्ठी विभक्ति है, पेड़ की तरोह कृपया, वृक्ष की कृपा से वह पुत्र को प्राप्त करता है। तो प्रश्नवाचक कौन सा शब्द, प्रश्नवाचक हमें किससे बनाना है? तरोह से। तो तरोह के स्थान में हो जाएगा कस्य। ध्यान रखना है अगर षष्ठी विभक्ति अंत शब्द है तो प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्ति अंत ही होगा, यानी जैसा जिसका जैसा शब्द होगा उसी विभक्त्यंत प्रश्नवाचक शब्द भी होगा। जैसे कि सह कल्पतरवे नैवेद्य यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इसको हम समझेंगे, यहाँ क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सह कल्पतरवे न्यवेदयत, नैवेद्य शब्द नहीं है यहाँ, है न्यवेदयत। सह कल्पतरवे न्यवेदयत, तो कल्पतरवे, कल्पतरवे में चतुर्थी विभक्ति है इसलिए यहाँ हो जाएगा कस्मै। तो सह कस्मै न्यवेदयत। अगला शब्द है धनवृष्ट्या कोऽपि दरिद्रः नातिष्ठत, अर्थात धन वृष्ट्या, जब धन की वर्षा होती है तो कोई भी दरिद्र नहीं रहता है। तो धन वृष्ट्या यहाँ स्थूल शब्द है, धन वृष्ट्या तृतीयांत शब्द है इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी तृतीयांत होगा कया। इस प्रकार से चौथा प्रश्न है कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत। पृथिव्याम से हमें प्रश्न निर्माण करना है, पृथिव्याम में सप्तमी विभक्ति है तो इसका प्रश्नवाचक भी सप्तमी विभक्ति अंत होगा, तो पृथिव्याम के स्थान में हो जाएगा कस्याम। अगला शब्द है जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य सह प्रासरत, यसः प्रासरत। क्या अर्थ हुआ कि जीव की अनुकंपा से, प्राणियों की अनुकंपा से जीमूत वाहनस्य यसः प्रासरत, प्राणियों के ऊपर उन्होंने कृपा की थी इसलिए जीमूत वाहन के यश की प्रसिद्धि हुई। तो यहाँ शब्द है जीवानुकंपया, जीवानुकंपया शब्द से हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाना है, तो जीवानुकंपया के स्थान में क्या हो जाएगा कया। कया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत जीवानुकंपया। इस प्रकार से छठवां प्रश्न भी आपका पूर्ण हुआ। इसके बाद है सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न को हमें समझना है क्या करना है। यहाँ स्वस्ति तुभ्यम यानी तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति ही भवति, यानी स्वस्ति शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में जहाँ स्वस्ति शब्द का संयोग होता है, स्वस्ति शब्द जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन, इस नियम के द्वारा, या अत्र चतुर्थी विभक्ति ही प्रयुक्ता, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव, इसी प्रकार कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक में स्थित जो पद हैं, यहाँ देखिए कोष्ठक में स्थित यहाँ पद हैं, कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक गत जो पद हैं उन पदों से चतुर्थी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। जैसे कि स्वस्ति राजा पद है, राजा शब्द है स्वस्ति, तो स्वस्ति राजा, तो राजा के स्थान में क्या हो जाएगा राज्ञे राजभ्यः, दोनों हो सकते हैं, द्विवचनांत भी हो सकता है, राज्ञे राज राजभ्याम राजा राजभ्यः, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः, इस प्रकार से चतुर्थी
चतुर्थी विभक्ति का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन शब्द भी हो सकता है, परंतु अभी हम एकवचन और बहुवचन को यहाँ लिख रहे हैं। राज्ञे स्वस्ति, या कि राजभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति प्रजा। प्रजा शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति हमें करनी है, तो प्रजायै प्रजाभ्यः। प्रजायै एकवचन है, प्रजाभ्यः बहुवचन है, तो स्वस्ति प्रजायै स्वस्ति, या स्वस्ति प्रजायै स्वस्ति प्रजाभ्यः, इस प्रकार से शब्द हो जाएगा। छात्र शब्द है, छात्र, छात्र से हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो स्वस्ति छात्राय, या फिर स्वस्ति छात्रेभ्यः, इस प्रकार से होगा। अगला शब्द है सर्वजन, तो स्वस्ति सर्वजनाय, या फिर स्वस्ति सर्वजनेभ्यः, इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति हमें जो कोष्ठकगत शब्द हैं उनके स्थान में हमें करनी है। सातवें प्रश्न का क नंबर है, इसके बाद सातवें प्रश्न का ही ख नंबर प्रश्न है। ख नंबर प्रश्न को भी हमें समझना है। ख नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या अर्थ हुआ? कोष्ठकगत जो शब्द हैं, कोष्ठक में जो शब्द हैं, उन शब्दों से षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। षष्ठी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों को, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके कोष्ठकगत जो शब्द आए हैं उन शब्दों को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि लिखा हुआ है तस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत, तो कोष्ठकगत शब्द है गृह, तस्य के बाद यहाँ खाली स्थान है, तो गृह का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? गृहस्य। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत। अगला प्रश्न है सह पितुः अन्तिकम् अगच्छत, शब्द है पित्री, तो पित्री का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? पितुः, तो उत्तर हो जाएगा पितुः। सह पितुः अन्तिकम् अगच्छत, यहाँ देखिए कोष्ठक गत शब्द है जीमूत वाहनः, तो जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्, जीमूत वाहन के स्थान में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बनेगा? जीमूत वाहनस्य। अगला शब्द है किम, तो किम का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा? कस्य, अयम कस्य तरुहु, अयम कस्य तरुहु, किम के स्थान में हो जाएगा कस्य, इस प्रकार से आपका जो चौथा पाठ है सेमुशी पुस्तक का उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आगे के वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही तैयार करूँगा, तब तक के लिए नमो नमः सर्वेभ्यः।